भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही भागलपुर में भी वंदे मातरम एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसके लिए अभी भागलपुर के लोगों के लिए कुछ महीने का इंतजार करना होगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यह बात सामने आई है कि अगले साल से भागलपुर में भी इन दोनों ट्रेनों के परिचालन कर दिए जाएंगे। बता दें कि यह जानकारी पूर्व रेलवे के GM अरुण अरोड़ा के द्वारा दी गई है। पूर्व रेलवे के GM अरुण अरोड़ा का मालदा से शुरू हुआ निरीक्षण कई स्टेशनों से होता हुआ भागलपुर स्टेशन पहुंचा। जानकारी के लिए बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान अरुण अरोड़ा के साथ कई DRM मौजूद रहे और साथ ही रेलवे के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। GM के भागलपुर स्टेशन पर पहुंचते ही वहां मौजूद सभी अधिकारियों और स्थानीय समाज सेवी के द्वारा उनका और उनके साथ मौजूद दूसरे अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इस निरीक्षण के दौरान भागलपुर रेलवे के अधिकारियों को वहां मौजूद लोगों को रेलवे के विकास कार्यों की गिनती करवाई गई और यह भी बताया गया कि रेलवे विकास के साथ अच्छी रेवेन्यू भी कर रही है। भागलपुर स्टेशन को 2 सालों के अंदर बेहतर लुक दिया जाएगा। बताते चले कि GM से मिलने के लिए कई सामाजिक संगठन के लोग भी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने GM को फूल बुक दिए और साथ ही विभिन्न मांगों को भी उनके सामने रखा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर GM को मेमोरेंडम भी सौंपा। GM अरुण अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बताया कि रेलवे के द्वारा पिछले साल कीर्तिमान स्थापित किया गया है और यह कीर्तिमान रेलवे ने लोडिंग सहित रेवेन्यू के मामले में किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे को और बेहतर करने की उम्मीद है। इसके साथ ही जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया कि भागलपुर से राजधानी ट्रेन और वंदे मातरम एक्सप्रेस कब चलाए जाएंगे, इस पर GM ने बताया कि उन्होंने इन दोनों ट्रेनों को लेकर रिकमेंड कर दिए हैं और अगले साल से इन दोनों ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।